गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 1 पुस्तकालय। इसमें आज हम 500 तक की संख्याओं का अभ्यास और 501 से 600 तक की गिनती से जुड़ा हुआ अभ्यास करें हल करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर इस तरह का अभ्यास कार्य दिया हुआ है। इन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें छुट्टी भी गिनती है, इसको आपको पूरा करना है। तो जो पहला प्रश्न है, इसमें पहले लिखा हुआ है, देखिए संख्या क्या है, 227। आगे रिक्त स्थान है, तो इसमें क्या आएगा वो आपको भरना है। तो 227 के बाद इस रिक्त स्थान में आपको भरना है 228, फिर उससे आगे 229, फिर देखिए उससे आगे लिखा हुआ है 230, तो इसको आपको दोबारा नहीं लिखना। फिर 230 के बाद में 231, फिर 232, फिर 233 लिखा हुआ है, उसको दोबारा नहीं लिखना, और उससे आगे आप यहाँ पर भरेंगे 234। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है, इसमें 476, इसके बाद में 476 के बाद आएगा 477, 477 यहाँ पर लिखना है। फिर अगले रिक्त स्थान में 478, 479, फिर 480 लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। 480 के बाद 481, फिर 482 और 83 लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। फिर तीसरा प्रश्न है इसी तरह से, 156, उससे आगे रिक्त स्थान में 157, फिर 158 लिखना है। 159 लिखा हुआ है, उससे आगे आपको भरना है 160, फिर 161, इस तरह से ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। आगे चौथा प्रश्न है, इसमें देखिए रिक्त स्थान है और उसके आगे संख्या लिखी हुई है, दो कॉलम है, तो इन दोनों में ही आपको देखिए यहाँ पर संख्या भरनी है। तो ये जो संख्या है, इससे पहले रिक्त स्थान है, इसका मतलब इस संख्या से पहले आने वाली संख्या लिखनी है। तो 368 से पहले कितना आता है, 367, वो लिखना है। फिर देखिए अगली संख्या है 370, तो 370 से पहले आता है 369। इसी तरह से नीचे अगली संख्या 208, तो 208 से पहले क्या आता है, 207, वो लिखना है। ये रिक्त स्थान संख्या से पहले है, तो उससे पहले आने वाली संख्या लिखनी है। अब जो इधर दूसरा बॉक्स है, इसमें देखिए संख्या के बाद में रिक्त स्थान है, यानी इस संख्या के बाद में आने वाली संख्याएँ यहाँ पर लिखनी है। तो पहली संख्या है 453, 453 के बाद में आता है 454। अगली संख्या देखिए 307 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 308। इसी तरह से 218 के बाद में आने वाली संख्या 219। तो 1 से 3 तक प्रश्न है, उसमें देखिए कहीं पर संख्या है, कहीं रिक्त स्थान है, यानी खाली जो छूटी हुई बीच में गिनती है वो आपको भरनी है। और चौथा जो प्रश्न है, इसमें अगर संख्या से पहले रिक्त स्थान है, तो संख्या उस संख्या से पहले आने वाली संख्या लिखनी है, और संख्या के बाद में रिक्त स्थान है, इसका मतलब उस संख्या के बाद में आने वाली संख्या आपको भरनी है। आगे पांचवा प्रश्न देखिए, 382 बराबर 300 प्लस रिक्त स्थान प्लस 2। तो 300, ये संख्या देखिए 382 कैसे बना है, 300 और अब 3 सैकड़ा है तो 300, फिर 8 दहाई है तो उसका मान हो जाएगा 80, 300 प्लस 80 प्लस 2। आगे फिर अगला प्रश्न देखिए, 226, अब इसमें देखिए 2 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस इकाई कितना है वो आपको लिखना है। तो इसमें इकाई का अंक है 6, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा 6 इकाई। फिर आगे सातवां प्रश्न देखिए, 372, अब इसमें आपको रिक्त स्थान, फिर सैकड़ा, फिर प्लस रिक्त स्थान दहाई प्लस रिक्त स्थान इकाई, इस तरह से दे रखा है, यानी इसमें कितना सैकड़ा है, कितना दहाई है और कितना इकाई है वो आपको लिखना है। तो इसमें सैकड़ा कितना है, 3, दहाई है 7 और इकाई है 2। फिर आगे देखिए आठवां प्रश्न हो जाएगा ये, 498, तो शब्दों में लिखा हुआ है, पहले रिक्त स्थान है प्लस 90 प्लस 8, तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा 400,
फिर आगे रिक्त स्थान है, अब इस पूरी संख्या को शब्दों में लिखना है। तो संख्या क्या है? 498। तो इस रिक्त स्थान में इसको शब्दों में लिखना है 498। आगे देखिए, नौवां प्रश्न 456 है, इसको भी आपको विस्तारित रूप में लिखना है जैसे अपने पांचवें प्रश्न में किया था। तो अब इसमें रिक्त स्थान प्लस 50 प्लस रिक्त स्थान है, तो 4 सैकड़ा है, तो इसका बन जाएगा 400, फिर 50 लिखा हुआ है, फिर प्लस इकाई कितना है? 6, तो इसका मान रहेगा 6। तो 456 का विस्तारित रूप 400 प्लस 50 प्लस 6 हो गया। आगे देखिए, 10वां प्रश्न 285, तो 200 लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में आपको भरना है 85। फिर आगे 11वां प्रश्न है ये 372, अब 72 लिखा हुआ है, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है 300। आगे देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर इस तरह की एक अलमारी बनी हुई है। अब इसके ऊपर देखिए नंबर, तो अलमारी नंबर 1। अब इसमें बुक्स हैं उनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, और इस अलमारी में देखिए ये ए बी सी डी और ई, ये 5 पंक्तियाँ बनी हुई है जिनको हम कहते हैं भी लाइनें बनी हुई है। तो ए लाइन में देखिए, जो ए पंक्ति है इसमें कौन कौन सी नंबर की किताबें आएंगी? 501 से लेकर 510 तक की। फिर जो बी पंक्ति है, बी नंबर लाइन है जो, उसमें 511 से 520 नंबर तक की किताबें हैं। इसी तरह से जो सी नंबर है, सी पंक्ति है, इसमें 521 से 530 तक की किताबें आएंगी। फिर जो डी पंक्ति है उसमें है 531 से लेकर 540 तक। फिर ई पंक्ति है उसमें 541 से 550 तक की बुक्स हैं, यानी अलमारी नंबर 1 है उसमें 501 से लेकर 550 नंबर तक की किताबें जमाई हुई हैं। नीचे देखिए कुछ किताबें बिखरी हुई हैं, तो आपको नंबर वाइज इस अलमारी में इसको जमा करना है। जैसे देखिए ये किताब है, अब इसके ऊपर नंबर है 531, कहाँ पर आएगी? देखिए तो ये डी लाइन में, जो डी पंक्ति है उसमें पहले नंबर पर, यहाँ पर आएगा 531, फिर 532, फिर ये 533, इस तरह से 540 तक की किताबें इसके अंदर है। फिर देखिए जैसे ये बुक्स हैं, अब इस पर नंबर है 519, कहाँ पर आएगी? देखिए कौन सी लाइन में आएगी, तो ये आएगी जो बी पंक्ति है उसमें, यहाँ पर आएगी ये बुक। तो आप इस तरह से इन सभी बुक्स को इस अलमारी के अंदर कौन सी पंक्ति में आएगी और कहाँ पर आएगी ये बता सकते हैं। आगे देखिए, इसमें अलमारी नंबर 2 है, इसमें भी उसी तरह से 5 लाइनें बनी हुई है, देखिए ए बी सी डी और ई। अब जो ए लाइन है, ए पंक्ति है, लाइन को हम क्या बोलते हैं? आपकी बुक में नाम आएगा पंक्ति, यानी लाइन। तो जो ए पंक्ति है उसमें 551 से लेकर 560 नंबर तक की किताबें हैं। फिर जो बी पंक्ति है उसमें 561 से 570 तक की किताबें हैं। फिर सी में 571 से 580 तक की, यानी एक लाइन में 10 किताबें हैं। फिर जो डी पंक्ति है उसमें 581 से 590 तक जो नंबर है वो बुक्स आएंगी। फिर ई जो पंक्ति है उसमें 591 से लेकर 600 नंबर तक की किताबें हैं वो इसमें आएगी। तो जो अलमारी नंबर 2 है इसमें 551 से लेकर 600 तक की किताबें ये जमा की हुई है। इससे जुड़ा हुआ अभ्यास कार्य है, देखिए प्रश्न क्या है कि बताइए निम्नलिखित नंबर की किताबें किस अलमारी में कहाँ कहाँ पर आएंगी, और किताब नंबर के आधार पर किताब को सही जगह पर रखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें देखिए किताब नंबर, अब आपको बताना है कि 503, 553, 575, 539, 547 और 599, ये बुक्स कहाँ पर आएगी। तो देखिए जो 503 नंबर बुक है ये कौन सी अलमारी में आएगी? अलमारी नंबर 1 में आएगी, 503 नंबर, तो यहाँ पर आएगी ये बुक। तो इसका उत्तर क्या होगा कि 500
तीन नंबर जो बुक है वो अलमारी नंबर एक की ए पंक्ति में तीसरे नंबर पर आएगी। 503 नंबर का क्या होगा कि अलमारी नंबर एक में ए पंक्ति में तीसरे नंबर पर। इसी तरह से फिर देखिए अगली बुक है 553, तो ये कहाँ पर आएगी, अलमारी नंबर दो में, क्योंकि इसमें 551 से शुरू हो रही है तो 553 नंबर है, तो वही ए पंक्ति में और यहाँ पर तीसरे नंबर पर। इसी तरह से अगली बुक है 575, कौन सी अलमारी में आएगी। अब देखिए 575 है, अलमारी नंबर एक में 501 से 550 तक की बुक्स हैं, तो 575 कहाँ पर आएगी, अलमारी नंबर दो में। अलमारी नंबर दो में 575 नंबर बुक है, तो कौन सी पंक्ति में आएगी, सी पंक्ति में, और कौन से नंबर पर आएगी, देखिए 575 यानी पाँचवें नंबर पर यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से आप 539 ये कौन सी अलमारी में आएगी, अलमारी नंबर एक में, कौन सी पंक्ति में आएगी और कहाँ पर आएगी ये भी आप बताएंगे। इसी तरह से 547 और 599 नंबर बुक है वो कौन सी अलमारी में और कहाँ पर आएगी ये आपको लिखना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, किताब नंबर 585 से 589 किस अलमारी में और कहाँ पर आएगी। तो देखिए 585 551 से बाद की संख्या है, अलमारी नंबर दो में आएगी, और कौन सी पंक्ति में आएगी, डी पंक्ति में, 585 से लेकर 589 तक, अलमारी नंबर दो में डी पंक्ति में, और देखिए पाँचवें से लेकर नौवें नंबर तक। आगे फिर इसका तीसरा प्रश्न है, देखिए अलमारी नंबर एक की, अलमारी नंबर एक की बी पंक्ति में कौन से नंबर की किताबें आएंगी। तो अलमारी नंबर एक में 501 से लेकर 550 तक की है। अब ए पंक्ति है, एक लाइन में देखिए 10 किताबें हैं, तो 501 से लेकर 510 तक की किताबें ए पंक्ति में आएगी। बी में कौन सी आएगी, 511 से लेकर 520 तक की, ये देखिए अलमारी नंबर एक में बी पंक्ति है, इसमें 511 से लेकर 520 तक की। ये आप बिना चित्र देखे बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक पंक्ति में 10 किताबें आ रही है और अलमारी नंबर एक में 501 से 550 तक की हैं, तो ए पंक्ति में होगी 501 से 510, बी पंक्ति में होगी 511 से 520 तक की किताबें। तो इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, 511 से 520 नंबर तक की किताबें आएंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक नंबर एक पर जो अभ्यास कार्य है वो, और इन ये जो अभ्यास कार्य है, किताब नंबर को अलमारी में और उसके सही स्थान पर बताना, ये कार्य आप करेंगे।